हेलो क्लास टेंथ वेलकम टू जनेित गुरु मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एन सी ई आर एग्जाम्पल के क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर दो पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे सेकेंड पार्ट में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे एंड दिस इज आर पार्ट सी और पार्ट थर्ड जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन फोर्टी सेवन सो क्वेश्चन फोर्टी सेवन है हमारा अ सॉल्ट एक्स इज फॉर्म ठीक है अ सॉल्ट एक्स इज फॉर्म एंड अ गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेम द सॉल्ट एक्स एंड द गैस इवॉल्व Describe an activity and draw the 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 diagram of of apparatus to prove that the evolved gas is one which you have named. Also write the chemical equation of the reaction involved. तो देखो पहला पूरा हमें ये एक पूरा पैराग्राफ मिला हुआ है सो अ सोल्ट एक्स फॉर्म ठीक है एक सोल्ट एक्स का फॉर्मेशन होगा हमें नहीं पता सोल्ट एक्स क्या है एंड साथ ही साथ एक गैस भी कब इवॉल्व होगी व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है जब इथेनोइक एसिड जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी कि NaHCO3 के साथ ठीक है CH3COOH का रिएक्शन होगा NaHCO3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा सब्सटेंस X एंड G गैस सब्सटेंस एक्स क्या होगा सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए साथ ही साथ हमें एच टू गैस देखने के लिए मिलेगा ठीक है साथ ही साथ हमें एच टू नहीं एच टू नहीं यहाँ पे एच टू ओ बनेगा और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा यस yes. कौन सा गैस मिल रहा है हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है एंड दिस इज एक्स ये क्या है ये है एक्स समझ में आ गया ना नेम द सॉल्ट एक्स एंड गैस इवॉल्व हमने लिख दिया डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अपैरेटस टू प्रूव दैट इवॉल्व गैस इज वन व्हिच यू नेमड ओके तो अब हमें यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लिखना है हमें कंफर्म करना है कि जो भी हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाले वो सच में वही गैस है कि नहीं है उसका टेस्ट कैसे करेंगे तो उसके लिए टेस्ट क्या होता है लाइम वाटर में इसको हम डाल देंगे व्हेन लाइम वाटर टर्न मिल्की दैट मीन्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न नहीं होगा दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एस ए गैस इवॉल्व नहीं हुआ ठीक है सो क्या लिखेंगे हम पास पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर में इफ इट्स टर्न मिल्की, इफ इट्स टर्न मिल्की, देन इवॉल्व गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड तब जो इवॉल्व गैस होगा वो क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा डन है क्लियर है इतना सो गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स का नाम बता दो फटाफट से यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस एक्स जो सॉल्ट एक्स निकाला है वो क्या है दिस इज सोडियम इथेन ओ एट क्या हो जाएगा सोडियम इथेनो एट क्लियर समझ में आ गया सो so, ये था हमारा क्वेश्चन 47 आप इसका जो डायग्राम है वो एक बार बुक से देख लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फोर्टी एट इज वॉट आर हाइड्रोकार्बन गिव एग्जाम्पल्स हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेवेटिव राइट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं hydrocarbons are the organic compound hydrocarbons are the organic compound which contain carbon which contain carbon and hydrogen ठीक है हाइड्रोकार्बन आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स वी कैन से और अगर डेरेवेटिव नहीं भी लिखना है तो सिर्फ इतना ही रहने दो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल मिथेन जिसका फॉर्मूला होता है सी एच फोर इथेन जिसका फॉर्मूला होता है सी टू एच सिक्स में आगे चला जाएगा ठीक? A part done. Now, B part. B part क्या है हमारा गिव बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेटेड हाइड्रोकार्बन विद सैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन सो हाइड्रोकार्बन इन टेड हाइड्रोकार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईच कार्बन इज अटैच विद दिंगल बॉन्ड ठीक है ईच कार्बन ईच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन विद अदर कार्बन ठीक है हर एक कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं दूसरे कार्बन के साथ फॉर एग्जाम्पल मिथेन इथेन प्रोप एन ब्यूट एन इसका स्ट्रक्चर देखो ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर बन गया मिथेन इथेन दिस इज प्रोप एन एंड ब्यूट एन ठीक है ये क्या है दिस इज ब्यूट एन समझ में आ गया क्लियर नाउ अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे so in unsaturated hydrocarbon in unsaturated hydrocarbon compound contain compound contain at least one double or triple bond compound contain at least at least one डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन बिटवीन द कार्बन ठीक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है फॉर एग्जाम्पल ये बन गया दिस इज एथीन, यानी कि ये है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इन ये भी क्या है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक समझ में आ गया क्लियर है इतना चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सो क्वेश्चन फोर्टी नाइन है रिएक्शन विच इज कॉमनलीफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट एक्सप्लेन द रिश्तेमनलीफ वेजिटेबल तो कौन सा रिएक्शन है वो yes? इसमें सारे पार्ट हमने कर लिए क्या वेट 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 सी वाला पार्ट हमारा रह गया उसको कंप्लीट करते हैं सी वाला पार्ट वट इज द फंक्शनल ग्रुप गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सी वाला पार्ट है ना फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप चेंज दी प्रॉपर्टी ऑफ चेंज दी प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है जिस भी कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा वो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ही क्या कर देगा चेंज कर देगा ठीक है चेंज दी प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ठीक है है और फंक्शनल ग्रुप का ओ एच एल्कोहल ठीक है सी एच ओ एल डी हाइड कार्बोक्सलिक ग्रुप कार्बोक्सलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज सी तो हमने यहाँ पे चार फंक्शनल ग्रुप को मैंशन कर दिया ठीक है चार फंक्शनल ग्रुप को हमने यहाँ पे मैं डन है हमारे ये क्वेश्चन क्लियर है कंप्लीट है हमारे ये क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट

और एक एक हाइड्रोजन इनके पास प्रेजेंट हो जाता तो यहाँ पे क्या हुआ अनसे हाइड्रोकार्बन अन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया यहां पे फॉर्मेशन हो गया क्लियर है नाउ नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन ओके, okay. नेक्स्ट है हमारा फिफ्टी क्वेश्चन राइट दी एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने डिराइव किया था मतलब फॉर्मूला हमने बनाया था दैट इज सी सी एल फोर ठीक है अब इसका क्या बताना है हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है कैसे करेंगे कार्बन क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन हर एक क्लोरीन के पास शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? सो so, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखो कार्बन के पास शेल में टोटल चार ही इलेक्ट्रॉन है एक ये बनेगा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ़ CCl4 ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर क्या है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है नाउ वॉट इज़ सपोनिफिकेशन और राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस तो सपोनिफिकेशन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सोप जहां पे कन्वर्टिंग ईस्टर इंटू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड ठीक है ईस्टर को हम क्या करते हैं कार्बोक्सिल कन्वर्ट कर देते हैं सो सपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेसोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच कन्वर्टिंग ईस्टर्स कन्वर्टिंग ईस्टर्स इंटू दी किसमें कन्वर्ट करते कन्वर्टिंग ईस्टर्स इंटू दी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ठीक है इंटू कार्बोक्सिलिक salt ठीक है रिएक्शन लिख के देख ले एक बार हम CH3COO C2H5 दिस इज द ईस्टर इसका रिएक्शन जैसे ही हम बेस के साथ कराएंगे NaOH के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO Na C2H5 OH अल्कोहल ठीक है salt एंड अल्कोहल में इसका कन्वर्जन हो जाएगा क्लियर है सो so, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50. Next question question 51. Question 51 is Easters are sweet smelling substance right Easter is a sweet smelling substance and are used in making perfumes. Suggest some activity and the reactions involved for the preparation of an Easter, वेल लेबल ओके। हमें यहाँ पे क्या बताना है पूरी एक्टिविटी बतानी है कि किस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एंड वन एम एल हम एसिटिक एसिड लेंगे जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं ठीक है वन एम एल इथेनोल विद वन एम एल एसिटिक एसिड ठीक है 1 एमएल इथेनॉल एंड 1 एमएल एसिटिक एसिड इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड फ्यू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है इसमें हमने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड कर दिया अब हम इसको क्या करेंगे वार्म करेंगे ठीक है वॉर्म अबाउट वॉर्म ठीक है अबाउट कब तक इसको वॉर्म करेंगे अबाउट सिक्सटी देखो सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बॉइल करेंगे कितने मिनट के लिए फिफ्टीन मिनट के लिए फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट ठीक है वार्म अबाउट सिक्सटी डिग्री फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट क्लियर है अब यहाँ पे में वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे हीट होंगे फ्लेम निकलेगा वेपर प्रोड्यूस होगा ठीक है जिससे इट कैन कैचेस फायर आल्सो ठीक फिर जो भी यहाँ पे होगा उसके बाद हम क्या करेंगे पोर इनटू अ बीकर और फिर हम इसमें 20 टू 25 ml वाटर डाल देंगे एंड आफ्टर दैट ठीक है इतना करने के बाद हम क्या करेंगे आफ्टर दैट पोर एन टू अमने इस पूरे सोल्यूशन को बीकर में डाल दिया uh, जब तक कितना नहीं हो गया कंटेनिंग कंटेनिंग फिफ्टीन टू ट्वेंटी एम एल ऑफ वॉटर एंड स्मेलिंग दी रिजल्टिंग मिक्सचर कैसा लगेगा हमको स्मेलिंग दी कंटेनिंग मिक्सचर ठीक है हमें इसको क्या करना है स्मेल करना है रिएक्शन लिखेंगे हम इसका रिएक्शन क्या होएगा किस तरीके से होगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव गिवईस्टर एंड वाटर यस सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच गिव सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस वाटर एंड दिस इज दर जिसमें से वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एल जो वाटर है वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा एंड रेस्ट जो बचेगा दैट इज दर क्लियर नाउ फिफ्टी टू क्वेश्चन ओके फिफ्टी टू क्वेश्चन है हमारा

compound c on treatment with an alcohol a in presence of an acid form a sweet smelling compound molecular formula this on addition of NaOH to c it also give r and water s on treatment with NaOH solution give back to the r and a identify c r a s and write down the reactions involved to sari cheeze humko likhni hai to sabse pehle dekho compound c with the molecular formula react with sodium theek hai to molecular formula CH3COOH. This is the molecular formula जो हमें question में mention था, ठीक है है इसका reaction हो रहा है. Sodium metal के साथ तो क्या बन जाएगा CH3COONA. और साथ ही साथ मिलेगा हमें H2 टू गैस यहाँ पे टू यहाँ पे टू और यहाँ पे टू ऑलरेडी रिएक्शन दो से तीन बार हम लिख चुके ठीक है सोडियम मेटल द कंपाउंड आर

ठीक है अब कंपाउंड सी का रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करा देते हैं कंपाउंड सी यानी कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच का रिएक्शन हम सी टू एच फाइव ओ एच के साथ मीडियम acid, में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है ईस्टर का फॉर्मेशन होगा यानी कि सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस एच टू ओ का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है दिस इज एस ये हमारा क्या बन गया ये हमारा बन गया एस ठीक है सी थ्री एच सिक्स सी थ्री और थ्री थ्री सी टू एच फाइव नहीं मोलिकुलर फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास सी थ्री एच सिक्स ओ टू ठीक है क्या बन रहा है सी थ्री एच सिक्स ओ टू कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या सी टू एच फाइव सी एच थ्री एल्कोहल हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा ये नहीं लेना पड़ेगा यानी कि एल्कोहल हमें यहाँ पे एल्कोहल लेना पड़ेगा सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच तब जाके फॉर्मूला बनेगा तब जाके हमें मिलेगा हाँ पे, CH3, तब जाके हमें ये फॉर्मूला मिलेगा क्लियर ठीक है और एडिशन विद एन एच टू सी अब सी का फिर से रिएक्शन एन के साथ करा देते हैं सी का फिर से रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं NaOH के साथ करा देते हैं। जब सी एन साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? -O -O ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से क्या क्या रिलीज हो जाएगा साथ ही साथ यहाँ से वॉटर रिलीज होगा आर एन वाटर तो यहाँ पे हमने आर को भी फाइंड आउट कर लिया है आर भी हमारा निकल गया ठीक है एंड

यानी कि ठीक है, वो हमारा क्या है ए है चलो देखो क्या मिलेगा हमको सी एच थ्री सीओ एन एंड पे CH3OH. Yes. यही हमें मिल रहा है, है, ठीक वापस से यही हमें यहाँ पे क्या हो रहा है मिल रहा है क्लियर है देखो फटाफट फ़िट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अब सबका नाम लिख दो अब सबका नाम लिख दो सी क्या है यहाँ पे सी इज द यहां पे है एसिड आर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है सो आर यहाँ पे कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट वी कैन राइट सोडियम कार्बोक्सीट एंड दिस इज दिथेनोल एंड सी एस थ्री सी एस थ्री एस यहाँ पे क्या है मिथाइल या फिर इसको हम ईस्टर भी बोल सकते हैं ठीक है एंड व्हाट अबाउट आर आर यहाँ पे क्या बन गया हमारा सेम ही तो है ठीक है आर तो वही है ओके okay. डन सारी चीजें यहाँ पे हमारी हो गई है कंप्लीट ओके नाउ फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नेक्स्ट अब हम आ गए हैं फिफ्टी थ्री क्वेश्चन पे क्या है फिफ्टी थ्री क्वेश्चन ओके okay. सो so, 53 क्वेश्चन है लुक एट द फिगर 4.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ठीक है व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ट्यूब बी ट्यूब बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसमें क्या जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इथेनोइक एसिड ठीक है तो इसमें क्या जाएगा देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा इट टर्न मिल्की राइट इट विल टर्न मिल्कि इट मिल्की, ठीक है ये कन्वर्ट हो जाएगा इट विल टर्न मिल्की। सेकेंड है हमारा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ट्यूब ए एंड बी ठीक है, रिएक्शन हमें लिखना है ए एंड बी में तो इथेनोइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनोइक एसिड का रिएक्शन है ठीक है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं सोडियम uh, कार्बोनेट भी है ठीक है सोडियम कार्बोनेट भी है रिएक्शन कैसे होगा इथेनोइक uh, एसिड ठीक है सोडियम कार्बोनेट साथ में रिएक्ट करेंगे सो फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड यही हो जाएगा नहीं दो कार्बन है ना तीन हो गए यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ एच ये इथेनोइक एसिड है साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का रिएक्शन कराएंगे हमको क्या मिल जाएगा CH3COONa plus H2O plus CO2 ये हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं टेस्ट ट्यूब ए में हो रही है कहाँ हो रही है ये सारी चीजें टेस्ट ट्यूब ए में हो रही है अब टेस्ट ट्यूब बी में देखो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है मिल्कीनेस होता है ठीक है और साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा ये बात चल रही है ट्यूब बी की ठीक है यहाँ पे किसकी बात चल रही है ट्यूब बी की बात चल रही है ठीक है अब अगर हम हमने कैल्शियम कार्बोनेट का फर्दर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ कराया तो उसका जो मिल्कीनेस है वो डिस हो जाएगा ठीक है सी ए ओ एच का होल ट्वाइस का रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया सी ए ओ एच का होल ट्वाइस का रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ कराया तो क्या बनेगा सी ए एच सी ओ थ्री ठीक है और इसका होल ट्वाइस ये बन जाएगा ठीक है मिल्कीनेस डिसअपियर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मिल्कीनेस कैसी हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी नाउ इसका सी और डी पार्ट अभी बच रखा है सी एंड डी पार्ट इथेनॉल गिव इंस्टेंट इथेनोइक एसिड ठीक है इथेनॉल गिव एन इंस्टेंट इथेनोइक एसिड वुड यू एक्सेप्ट द सेम चेंज यस वुड यू एक्सेप्ट द सेम चेंज क्या हो जाएगा जब यहाँ पे एल्कोहल एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे ठीक है सो सेम चेंज होगा हम क्या लिखेंगे हाँ सिमिलर चेंज नॉट एक्सपेक्टेड ठीक है सिमिलर चेंज सिमिलर चेंज नॉट एक्सपेक्टेड ठीक है यहां पे हमें सिमिलर चेंज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे हाउ कैन सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी लेबोरेटरी में लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है यस, लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है लाइम वाटर इज प्रिपेयर बाय डिजॉलिंग कैल्शियम ऑक्साइड इन वॉटर लाइम वॉटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग लाइम वॉटर इज प्रिपेयर बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड इन वॉटर तभी क्या बनता है COH एच का ट्वाइस बनता है ठीक है बाय एडिंग वॉटर क्लियर तो ये था हमारा डी पार्ट फिफ्टी थ्री क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन हाँ अब देखो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है ऑलमोस्ट इस चैप्टर में अराउंड फिफ्टी सेवन के आसपास क्वेश्चन थे ठीक है

H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 443 कैल्विन तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में और साथ ही साथ यहाँ से वाटर भी बाहर आ जाएगा ठीक है सेकंड है हमारा यहाँ पे प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका हमने पढ़ा था कि उसका ऑक्सीडेशन कर दो ठीक है क्या कर दो उसका ऑक्सीडेशन कर दो सो so, CH3 CH2 CH2OH एल्केलाइन के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में इसका क्या कर दो रिएक्शन कर दो ठीक है इसको हीट करके ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच बन गया प्रोपेनोइक एसिड राइट दी रिएक्शन तुमने तो रिएक्शन भी लिख दिया डन है इतना समझ में आ गया सो so ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन फिफ्टी फाइव

सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच तो तीन कार्बन है तीन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक तो हमें ये बन गया दिस इज प्रोपेनल दूसरा बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दिस इज ये क्या बन गया प्रोपेनोन ठीक है दूसरा हमारा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा प्रोपेनोन इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या एक ऑक्सीजन के साथ नहीं बनेगा है ना नहीं बनेगा अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो सो कार्बन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 वन टू वन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर ठीक है वन टू नहीं। क्लियर अब देखो किस तरीके से बनेगा एक ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा एक ये बन गया एक ये बना दिस दिस एंड दिस यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड फर्दर एक ये बनेगा दिस, दिस, ठीक है एक ये बनेगा और दूसरा एक ये बनेगा तो ये स्ट्रक्चर है ठीक है इसी तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है बिल्कुल एज इट इज बनेगा ठीक है ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क रहेगा प्लीज इसको ट्राई करना फिर देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही बनाया ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है Okay. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन okay? जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है yes, ऑफ हाइड्रोजिन इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन कराना ही हाइड्रोजिनेशन कहलाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे कि निकल रिएक्शन के देख ले हम ये बनेगा दिस सैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया नाउ बी पार्ट बी पार्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन दिस एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इथेनोइ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन के एम एन ओ फोर एंड दिस इज देशन रिएक्शन लिखेंगे हम सी टू एच फाइव ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहोलिकलाइन के एम एन ओ फोर इसको हीट करेंगे सो इट विल बिकम सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है बन गया ओके नाउ थर्ड वन है सब्सिट्यूशन रिएक्शन थर्ड क्या है सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो एडिशन ऑफ नहीं सब्सिट्यूशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन इज रिप्लेसड बाई क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सब्सिट्यूशन रिएक्शन ठीक CH4 plus Cl2 in presence of H nu, plus HCl. That's it. So this is C part. ये कौन सा पार्ट था हमारा C part. I hope कि सारे चीजें आपको visible होंगी right? Now D part की बात करते हैं D part क्या है यहाँ पे रिएक्शन लिखना है सपोनिफिकेशन so, रिएक्शन में क्या बताया था हमने कि किसका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है किसकी प्रेजेंस में ईस्टर प्लस बेस, ठीक है? C H 3 C O O C 2 H 5 प्लस N a O H गिव C H 3 C O O N a प्लस C 2 H 5 O H बस. दिस इज दिस सपोनिफिकेशन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, यूज्ड इन प्रपरेशन ऑफ सोप ठीक है किसका प्रिपरेशन होता है यहाँ पे सोप का प्रिपरेशन किया जाता है इन सपोनिफिकेशन नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कंबशन रिएक्शन ओके इजी ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा कंबशन रिएक्शन क्या होता है कंबेशन रिएक्शन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव एनर्जी ठीक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और साथ ही साथ ही हमें क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जांपल सी एच फोर प्लस ओ टू को हमने क्या किया बर्न किया तो हमें मिलेगा सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस एनर्जी ठीक है सीओ टू प्लस H2O टू प्लस एनर्जी या फिर जगह हीट और लाइट भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हीट एंड लाइट क्लियर है अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं फिर हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो जाएगा फिनिश ठीक है नाउ फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओके

कंपाउंड ए का रिएक्शन जैसे ही हमने किसके साथ करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दिया हमें कंपाउंड बी मिल गया ठीक है अब कंपाउंड बी में हम एडिशन कराएंगे ठीक है किसके साथ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ठीक है हमने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया नहीं सेकंड में लिखते हैं बी के साथ हमने क्या किया हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट सो हमें कंपाउंड सी मिलेगा

सी टू बिल्कुल ध्यान से देखना ये बनेगा कि नहीं बनेगा सी टू यस दो कार्बन है ध्यान से देखो इसको दो कार्बन है और तीन हाइड्रोजन वहीं से हमको मिल सिक्स हाइड्रोजन वहीं से हमको मिल सकता है एंड फोर और फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे देखो सेवन है हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे थ्री एंड फोर कितने हाइड्रोजन हो गए सेवन हाइड्रोजन हो गए मतलब रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे टू हो जाएगा ठीक है और फोर हो गया फिर यहाँ पे फोर हो गया तो एट नाइन टेन इलेवन अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं है रिएक्शन को प्रॉपरली बैलेंस कर देंगे सिक्स और फोर ट्वेल्व टेन और यहाँ पे ट्वेल्वीन तो यहाँ पे 8 आएगा 8O2 8O2 करेक्ट है नहीं 8 नहीं 7 बैक से रिएक्शन को करना शुरू करते हैं ये बन गया मतलब C हमारे यहाँ पे क्या बनेगा C है हमारे यहाँ पे C2H6 अब अगर C2H6 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा तभी यहाँ पे एडिशन कराया तो ये बन जाएगा C2H4 और अगर ये C2H4 है मतलब ये हमारा C2H4 है और ये C2H4 है तो ये अल्कोहल हो जाएगा CH2 CH3CH2OH ठीक है बन गया सारे के सारे प्रोडक्ट बन गए हमसे यही पूछा था क्लियर है तो यहाँ पे हमारे कार्बन एनट्स कंपाउंड का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है फिनिश क्लियर अब सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है जितना ज्यादा हम रिवीजन कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है क्योंकि हमारा सिलेबस हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट ओके okay, आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच